दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमानी आफत से कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हिमाचल में बादल फट गया। बादल फटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और 50 लापता बताए जा रहे हैं। वही उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर आई, यहाँ 5 लोगों की जान चली गई। अब राजस्थान के जयपुर में भी दिल्ली जैसा हाल हुआ, यहाँ भारी बारिश के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। इस तरह दिल्ली से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का कोहराम मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं दिनगरी न्यूज। दरअसल जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में सड़क किनारे बने एक बेसमेंट में 3 डेड बॉडी फंसी हुई है। इन्हें निकालने के लिए सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम पिछले कई घंटे से मेहनत कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। बेसमेंट में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसे मोटर पंप की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस इस वक्त इलाके में मौजूद है। वीकेआई रोड नंबर 17 के ध्वजनगर में हुई इस घटना की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही, क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें बच्चों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद शुरू हुआ बवाल अभी थमा भी नहीं था कि राजस्थान में कुछ ऐसा ही हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बुधवार रात से प्रदेश भर में जारी तेज बारिश के कारण एक मकान की दीवार टूटकर दूसरे मकान पर गिरी, जिससे बेसमेंट में पानी भर गया। इस दौरान परिवार के 4 सदस्य उसमें फंस गए। समय रहते एक को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 साल की बच्ची, 19 साल की लड़की और 22 साल का युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। अभी उनकी डेड बॉडी वही पानी और मलबे में दबी हुई है। सिविल डिफेंस की टीम जल्द से जल्द बेसमेंट से पानी निकालने की कोशिश कर रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।